हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो भी CEE कंडक्ट हुआ था 16 से लेकर 26 तक उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये डाउट में कि आपकी रिजल्ट कब आएगा और आपकी फ़िजिकल कहाँ होगा और कब होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ट्रेड वाइज सारे डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत लेट आ रहा है, चैनल में कोई प्रॉब्लम था, लेकिन आपकी सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच, ग्रेट सैल्यूट टू ऑल ऑफ़ यू। आपने इस चैनल के बहुत साथ दिया। अभी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली टू डेली बेसिस पे जैसे आ रहा था, डेली वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो इसका रिजल्ट अलग अलग नहीं आएगा, एक ही साथ आएगा। चाहे 16 से 26 क्यों ना एग्जाम हो, रिजल्ट एक ही साथ आएगा और वो आएगा 28 मई को एक्सपेक्टेड डेट। तो 100% चांस है आपका जो रिजल्ट है 28 मई को रिलीज कर दिया जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एग्जाम आपने देखना है जाके कितना कट ऑफ गया, वो सारे मैं दूसरे वीडियो में आपको ब्रीफ कर दूंगा। अभी आते हैं वीडियो के आपके फिजिकल कब होगा। अगर 28 मई को आपका रिजल्ट निकल रहा है तो आपका फिजिकल होगा 7 से लेके 15 या फिर 20 जून तक। इनके बीच में आपको अलग अलग का ट्रेड का अलग अलग डेट दिया जाएगा, उसके बीच में आपको जाना है और आपका फिजिकल क्लियर करना है। तो इसी के लिए सीरियस होकर अपने फिजिकल प्रैक्टिस करते रहिए। और कट ऑफ की मैं बात कर दूं, GD टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही में कितनी कितनी कट ऑफ जाएगा उसका एक सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि उसमें आपको कोई भी झंझट ना हो देखने में, तो उस वीडियो को पक्का देखना है। बाकी आपको मेरिट लिस्ट में डाउट रहता है कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा या स्टेट वाइज बनेगा, एयर वाइज बनेगा, तो मैं आपको बता दूं एयर वाइज कभी भी मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। एयर वाइज सीट होता है, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट होता है वो स्टेट वाइज होता है। स्टेट वाइज वैकेंसी के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कैसे वैकेंसीज निकलते हैं, कितना पेंशन जाता है उस हिसाब से कितना वैकेंसी निकलता है और मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो मेरिट लिस्ट कभी भी स्टेट वाइज बनेगा आपका, कोई भी ऑल इंडिया बेसिस पे या फिर एयर वाइज नहीं बनेगा, ये क्लियर है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो भी डाउट है उनको लेके कि सिपाही फार्मा में फिजिकल में हमने कितना पास करना है, नर्सिंग असिस्टेंट में कितना पास करना है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से भी आपको क्वालिफाई करना है, क्यों लेना है, क्वालिफाई करना है। हाँ, अगर आप आर्मी GD में जा रहे हो तब जाके आपको ये फिजिकल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या फिजिकल की भी मार्क जुड़ता है। लेकिन टेक्निकल क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही भर में भी कोई भी आपका फिजिकल मार्क नहीं जुड़ता है। तो रिलैक्स रहिए, 6 से 6.5 मिनट आपको मस्त मिलेगा और आपकी फिजिकल क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है। और बहुत सारे एस्पिरेंट को ये भी डाउट रहता है कि सर हमारा अगर फिजिकल 7 से लेकर 20 जून को होगा तो मेडिकल कब होगा। मेडिकल आपका एक दिन के बाद होगा, जैसे ही आप आज फिजिकल क्लियर करोगे तो आपको मेडिकल कल करवा दिया जाएगा। और अगर आपके कोई भी पॉइंट आता है, मेडिकल पॉइंट आता है, तो आपको 5 से 7 दिन मिलेगा। जो भी आपको MH देगा, मिलिट्री हॉस्पिटल देगा, वहाँ पर जाना है, आपको रीचेकअप करना है। उसके बाद 7 दिन का अगर आपको फिट और या अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक NCC कैडेट है तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारे डाउट रहता है कि ये मार्क कहाँ जुड़ेगा सर, मेरा NCC का जो 20 से 25 मार्क रिटिन में जुड़ेगा या ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा रिजल्ट के टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो रिटिन है उसमें अगर आप GD एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो आपका 15 से 20 मार्क जुड़ेगा। अगर आप टेक्निकल, सिपाही फार्मा या फिर अलग क्लर्क एंट्री देते हो, आपका 5 से लेकर 15 मार्क तक जुड़ेगा NCC के मार्क आपकी रिटिन के ऊपर, अगर आप NCC में सी सर्टिफिकेट लिया है तो। उसी हिसाब से अगर A और B है उसी हिसाब से आपको मार्क मिल जाएगा। अगर इसमें भी आपको डाउट है किस कौन सी सर्टिफिकेट में कितना मिलता है, आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।